सुनिए 1748 से, सुनिए 1748 से कश्मीर में केवल हिंदू शासक रहा करते थे। किसने वहाँ पर वो पैदा किया? राजा हरिसिंह का राज। किसने पैदा किया? बीजेपी ने। किसने? आरएसएस ने। उस समय तो आरएसएस की पैदाइश भी नहीं होती। इस तथ्य को आप लोग पूरा क्यों नहीं दिखाते हैं? किसने एक एक्ट लगाया वहाँ? हैं? किसने ये जी 35A लगाया? किसने लगाया? हु इज दैट? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो मेरे कहने का मतलब भाई साहब, राष्ट्रहित हेतु, राष्ट्रहित हेतु आपका भी फर्ज होता है, हम सभी का फर्ज होता है कि आज के दिन में भारत में मोदी जैसा नेता सख्त जरूरत है, सख्त। राफेल का स्पेलिंग पूछिएगा तो राहुल को मालूम नहीं होगा राफेल का स्पेलिंग क्या है। पेपर देख के बता सकता है, पेपर देख के बता सकता है, पेपर देख के बता सकता है। सर ये सच्चाई है। मेरा कहने मतलब आपकी ड्यूटी, हम लोगों की ड्यूटी है कि अवेयरनेस पैदा करें। राष्ट्रहित हेतु, घर में घुस कर किसने मारा? तो कहते हैं मैंने भी किया था, हमने भी किया था। दिखाइए उदाहरण। हम प्रदर्शन नहीं कर रहे सर, हम लोग 50 साल पार कर गए। कितने हम 50 साल पार कर गए, हम भी देख रहे हैं। मैं उन्होंने 72 का भी लड़ाई देखा है, सारा चीज देखा है, ठीक है ना। लेकिन कहां से कांग्रेस ने किया है बताइए? जब बांग्लादेशियों ने, सुनिए ये भी बीट चलाइए, बहुत बांग्लादेशियों ने जब कलकत्ता में हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया, इंदिरा गांधी की हालत खराब हो गई थी और आरएसएस के सहारा लेकर जाकर बचाए थे। चलाइए बीट। कौन जानता है ये चीज? हमारी महिला थी ना वो, अब बांग्लादेशियों आके गलत काम कर रहे थे और आप जा रहे हैं उसकी पक्ष रख रहे हैं मायावती का। और आज एक और चीज बीट चलाइए, नाम सुनिएगा, मायावती, राबड़ी देवी, लालू यादव, मुलायम सिंह, हमारे यहाँ एक शरद यादव, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और ऐसे ऐसे 10 नेता, एक मिनट, ममता बनर्जी, इन लोग को इंटरनेशनल फेनोमेना पर खड़ा कर दीजिए, मुंह में से आवाज़ नहीं निकलेगी। यही हमारी इज्जत है देश की, ये लोग इज्जत हैं। बुरा मत मानना भाई मायावती के। सर मैं क्यों बुरा मानूंगा? सुनो, इसलिए बता रहा हूँ कि इतने भाई हैं। मान लीजिए मायावती के कास्ट के लोग यहाँ पे कोई हैं, मैं समझता हूँ कि मायावती से ज्यादा वो लोग पढ़े लिखे हैं। हम उनको क्यों नहीं नेता बनाए? मायावती क्यों नहीं नेता बनाए जिनको बोलने को मालूम भी नहीं है? पेपर पढ़ के बोलती हैं। तो उससे अच्छा है कि उस कास्ट के लोग जो भी हो हमारे भाई, वो उनसे ज्यादा अच्छे हैं। अभी चाइना में, मैं अभी चाइना होके आ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं गया था तो उसने किसी ने बात छोड़ दी कि महात्मा बुद्ध, ये बहुत बड़ी चीज है, ये भी चले, महात्मा बुद्ध हम चाइनीजों के पिता हैं। अरे पैदा हुए भारत में, अब पिता हो गए तेरे, ये कहाँ से हो गया भाई? तो उन्होंने उस धर्म को लोक लिया, हमारे पेटेंट करा लिया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि महात्मा बुद्ध 10वां अवतार हुआ करते थे, विष्णु के अवतार हैं। तो ये सब अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है हमारे भाई लोग को, ठीक है ना। हवा की तरह बात करके बोल दी ये चोर है। अरे सर मैं कहता हूँ हर इंसान को इस देश के लिए चौकीदार बनना जरूरी है। मैं हूँ और मैं ये बता दूँ कि मैं जब से मोदी हैं, मैं बचपन से अपने आप को चौकीदार इस देश को मानता हूँ।